जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। एक शंख आता है, गणेश मुखी शंख, आप सभी जानते ही होंगे। एक तांबे का सिक्का ले ले, एक शंख। यदि आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी की कमी हो गई, धन की कमी हो गई ही है, कई कहीं से धन आने का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा और बहुत ही ज्यादा परेशानी से ग्रस्त मान रहे हैं आप अपने आप को, आप गणेश मुखी शंख ले लें, उसमें थोड़ा सा जल भर लें, उसमें तांबे का सिक्का डाल लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सात रेखाएं, उस जो शंख में जल भरा हुआ है, सिक्का डाला हुआ है, उससे अपने घर की देहरी पर, मुख्य द्वार की देहरी पर सात लाइनें खींचें। आपको प्रतिदिन करना है ये कार्य और आप 15-20 दिन में ही अंतर देखेंगे। जो गणेश जी का दांत टूटा हुआ है उस तरफ आप दूरबा 41 दूरबा, 31 दूरबा, 21 दूरबा की गांठ कलावे से बांधकर समर्पित करें, अपने मन की इच्छा बोलें। अब देखना, शीघ्र ही आपके मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कैसी भी मनोकामना, आप सिर्फ भगवान गणेश से विनती करें। श्री गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। कोई भी आपकी इच्छा, कोई भी मनोकामना लेके उनके समक्ष आप जाते हैं, अवश्य वह आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बुधवार का दिन हुआ, गणेश चतुर्थी का दिन हुआ, यदि इस दिन आप भगवान गणेश को प्रसन्न करते हैं, उनके जो उनको चढ़ावा चढ़ता है, भोग लगता है, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या मोदक आप समर्पित करते हैं, यदि कुछ नहीं है तो थोड़े से गुड़ में थोड़ा सा शुद्ध घी मिलाएं और भोग लगाएं, इससे भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। कर देखें, विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, देखना कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।